जहाँ एक तरफ लोग मोटापे को घटाने के लिए न जाने कितने तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तो वहीं इस दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर लड़कियाँ मोटा होने के लिए अपनी जान के साथ भी खिलवाड़ करती हैं और इसमें साथ देते हैं उनके ही अपने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफ्रीकी देश मॉरिटानिया की, जहाँ पर महिलाओं को आकर्षक बनाने के लिए 16,000 तक की कैलोरी वाली भारी भरकम डाइट लेने पर मजबूर किया जाता है। बता दें कि चैनल्स फॉर अनरिपोर्टेड वर्ल्ड की नई डॉक्यूमेंट्री में ये चौंकाने वाली बात सामने आई है। यहाँ पर लड़कियों का मोटा होना उनकी खूबसूरती का परिणाम साबित होता है, जिसके लिए उन लड़कियों को हर वो चीज़ खाने के लिए दी जाती है जिससे वो मोटी हो सके, चाहे फिर वो चीज़ जानलेवा ही क्यों ना साबित हो जाए। वहीं इस देश में 2 महीने का एक फीडिंग सीजन होता है, जिसमें 11 साल की लड़कियों को मोटा करने के लिए ऊंट का दूध, पोरेज जैसी चीजें खिलाई जाती हैं, ताकि उनका वजन बढ़ सके और पुरुषों के लिए आकर्षक बन सके। साथ ही लड़कियों की माएँ उन्हें ज़बरदस्ती खाने के लिए मजबूर करती हैं, चाहे लड़की का मन हो या नहीं। और उन लड़कियों की माएँ ऐसा सिर्फ इस उम्मीद में करती हैं ताकि उनकी शादी के समय कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि यहाँ पर पुरुष सिर्फ मोटी लड़कियों से ही शादी करते हैं। वहीं कुछ लड़कियों को मोटा करने के लिए ऐसी केमिकल भी दी जाती है जिससे जानवर मोटे होते हैं, जो कि कई बार बेहद ही खतरनाक साबित होता है। साथ ही उस केमिकल से लड़कियों की मौत तक हो जाती है, लेकिन बावजूद इसके केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी तरह से इस देश में छोटी छोटी बच्चियों पर मोटा होने का दबाव रहता है, जिसके लिए उन्हें दुख और प्रताड़ना सहनी पड़ती है। नेशन वन से प्रियंका मलिक की रिपोर्ट।